जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़, फिजिकल कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और एक्स आर्मी। जैसा कि हमने कल मेरा फर्स्ट वीडियो था और आज हमारा उसका पार्ट टू है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बिगनर्स को दौड़ते वक्त क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या सामान चाहिए। तो आज फर्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं और सबसे पहले जब भी आप किसी फिजिकल की तैयारी के लिए चल रहे हो, दौड़ने के लिए तैयार हो, या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या स्पोर्ट्स खेलने के लिए तैयार हो, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या आप फिजिकली फिट हो, क्या आप मेंटली फिट हो, आपको कोई चोट, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई क्रिटिकल डिजीज़ तो नहीं है। अगर इस टाइप का कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि आप फिट हो, तो आपको दौड़ने के लिए शुरुआत करना चाहिए। तो नंबर एक पॉइंट अपना है कि मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। नंबर दो है कि आप अगर दौड़ने के लिए तैयारी कर रहे हो तो किसी से कंपटीशन मत कीजिए, किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप अपनी एफिशिएंसी, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी एफिशिएंसी होती है, उसके अकॉर्डिंग हर एक का शरीर अपना अपना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को छोटे छोटे एक टास्क दे करके टारगेट सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को शुरुआत करनी है। दूसरा कि आपको दौड़ने के लिए एक शूज चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए। वो कोई ज़्यादा महंगे हो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है महंगे शूज खरीदना, बट स्पोर्ट्स शूज होना चाहिए। उसका सोल है वो एक स्पोर्ट टाइप का होना चाहिए, हार्ड सोल नहीं होना चाहिए और शूज लेदर वेदर के नहीं होने चाहिए। एक स्पोर्ट्स शूज एक 250, 300 या 400, 500 तक ठीक कंडीशन के मिल जाते हैं, तो वो शूज आप लो। और इसके बाद में शूज होंगे, फिर आता है आपका नंबर कि आपका ड्रेस वगैरह। तो आपको ड्रेस वगैरह है वो फिटिंग के अकॉर्डिंग, आप अगर विंटर, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आप ट्रैक सूट यूज कर सकते हो, या फिर गर्मियों में हो तो एक शॉर्ट्स और टी शर्ट कर सकते हो। तो अभी सर्दियों के हिसाब से आपको चाहिए एक ट्रैक सूट। इसके साथ में आपको एक पहनने के लिए अपना शॉर्ट्स होना चाहिए। इसके अलावा हमें विंटर के हिसाब से ट्रैक सूट लेना चाहिए और साथ में हमें सपोर्टर पहनना चाहिए। सपोर्टर ज़रूरी है, जब भी कोई आप रनिंग या गेम्स स्पोर्ट्स करते हो तो आपको सपोर्टर पहनना चाहिए। सपोर्टर के लिए आप किसी स्पोर्ट्स की दुकान पे या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, एक अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग सपोर्टर लाओ और वो पहन सकते हो। शूज हो गए, सपोर्टर हो गए और आप फिजिकली मेंटली फिट हो। अब बारी आती है आपको ट्रैक पे उतरने की। तो ट्रैक पे उतरने के लिए जब आप दौड़ने के लिए शुरुआत करोगे, तो उससे पहले आप किसी की देखरेख में, किसी कोच की देखरेख में, या आप अगर अकेले दौड़ रहे हो तो आप अकेले दौड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट डे आपको तेज़ी से नहीं दौड़ना है। आप अपने हिसाब से, कि आप फर्स्ट बार दौड़ रहे हो या कभी दौड़े हो, तो मैं यहाँ पर उन लोगों को लेकर के चल रहा हूँ जो पहले कभी नहीं दौड़े, बिगनर्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो उन लोगों को क्या है, अपने छोटे छोटे टास्क करने चाहिए, किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, और हमें एक छोटी और धीरे दौड़ से स्टार्ट करनी चाहिए। धीरे धीरे, स्टेप बाई स्टेप हमें दौड़ना चाहिए। दूसरा, दौड़ने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि मेरे शूज है, जो मैंने शूज पहने हैं वो ना तो बड़े होने चाहिए हमारे जैसे, मान लो सपोज करो मैं 9 नंबर के पहनता हूँ, तो मुझे 9 ही नंबर के पहनने चाहिए, ना तो मुझे 10 नंबर के पहनने चाहिए, ना मुझे 8 नंबर के पहनने चाहिए। तो शूज ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। साथ में जब मैं शूज पहनता हूँ तो मुझे शूज के जो लेस है, लेस को टाइट बांधना चाहिए। साथ में क्यों टाइट बांधने से ये फायदा है कि जब आप दौड़ोगे, दौड़ते टाइम आपका मोच वगैरह नहीं लगेगी। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर आप सलू जो लेस है उसके वो टाइट नहीं बांधोगे, तो क्या होगा कि आपका जो पाँव है वो ट्विस्ट होने के डर रहते हैं, जिससे ट्विस्ट होने की वजह से आपके मोच आ जाएगी, जो आपको दौड़ने में डिफ़िकल्ट होगी। तो आज के इस
वीडियो में हम यहीं तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम में हम आगे करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट बात बताऊंगा। तो जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।